जी मजर, ये तो लफ्ज पकड़े जा रहे थे। उन्होंने कहा लॉजिक, तो वहां से जवाब आ रहा था हम ओथ उठा लॉजिक पे नहीं उठाते, हम उठाते हैं लेटर एंड टेक्स्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन के। वहां से बात हुई कैस्केडिंग एरर्स, तो उन्होंने कहा फिर पूरी बात करें, जेनेसिस करें कि ये शुरू मामला कहां से आया। लग ये रहा था कि मुकदमा जजेस के दरमियान में है और फैसल सिद्दीकी जो लॉयर थे वो एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही लुक लाइक अ थर्ड पार्टी ऑन लुकर, मुझे तो वो जज लगते थे, दूसरी तरफ लॉयर्स लग रहे थे। इतनी ओपन कॉन्फ्लिक्ट, इतनी क्लियर डिवीजन ऑफ बेंचेस जब हो रही हो उस माहौल में, ये जरा कंटेम्प्ट वाला का माहौल बनता है। बिकॉज मेरे नजदीक तो बड़े मसले ये हैं कि जिधर हम जा रहे हैं ये फैसले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन भी आगे आके कॉम्प्लिकेट होगी। और अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि इंस्टीट्यूशन के साथ जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट खुल के सामने आ गया है, जुडिशरी का आपस में कॉन्फ्लिक्ट खुल के सामने आ गया है। क्या हम एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ जा रहे हैं? शुक्रिया मालिक। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और ये आज से नहीं खोला गया। और मेरे नुक्ते नज़र से जब आप कलम से नहीं बोलेंगे और ख़ुद बोलना शुरू कर देंगे तो फिर ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नज़र आएंगी। जजेस का हमेशा से क्राइटेरिया ये रहा है और जजेस के बारे में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि वो अपने जजमेंट से बोलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें लैंडमार्क जजमेंट्स अब नज़र नहीं आते हैं। रेयरली आप उठा के देखें, अगर जजमेंट्स उठा के देखें जो आपको रेयरली लैंडमार्क जजमेंट्स नज़र आएंगे हाल ही में होने वाले। ये 98 में पहली मरतबा हमने देखा जब पैरेलल सुप्रीम कोर्ट्स की हेयरिंग्स हुआ करती थी, एक तरफ चीफ जस्टिस सलीम थे, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह थे, और बहुत वाज़े तौर पे डिवीज़न था। सुबह एक एक पिटीशन लगती थी, दो घंटे बाद उसके खिलाफ एक दूसरी पिटीशन लगा करती थी। पहले आप देखें कि वो चीज़ ही ख़त्म हो गई है कि मैटर इज सब जुडिस। ये जो एक वर्ड होता था ये मीडिया के ऊपर बहुत वाज़े तौर पे दे दिया जाता था कि दिस मैटर इज सब जुडिस। अब जब तक दोनों वकीलों से आप नहीं पूछ लेते थे, उस पेशकार से नहीं पूछ लेते थे, आप उस मैटर को रिपोर्ट नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट के माजरत के साथ और विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट मुझे पार्लियामेंट नज़र आने लगी है। जिस तरीके से बहस व मुबाहसा होता है, जिस तरीके से चीज़ें इस वक्त, जिस तरह आपने अभी कहा कि आज अगर हियरिंग देखें तो मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि मुझे बहुत वाज़े तौर पे एक स्प्लिट मैंडेट आता नज़र आ रहा है इस फैसले में। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जिस तरह की चीज़ें होती हैं और जब आप इतनी ज़ाहिर है ये चीज़ लाइव जा रही है और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसमें वो हर जज के रिमार्क्स को हर आदमी अपने सच के साथ देखेगा कि मैं, मुझे लगेगा जो जो एक साइड का सपोर्टर है उसको लगेगा कि नहीं जस्टिस मुनीब अख्तर ठीक कह रहे हैं, दूसरे साइड का है वो कहेगा चीफ जस्टिस सही कह रहा है। ये जुडिशरी के लिए बड़ी डैमेजिंग है ये चीज़ कि जब मैं जजमेंट से पहले जजमेंट जो है कि प्रेडिक्ट करना शुरू कर दूं, जब मैं बेंच को देख के ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर दूं कि जजमेंट क्या आ सकती है। जो कंटेम्प्ट वाली बात है, जिस तरह आपने अभी सारी चीज़ें सुनाई, तो कंटेम्प्ट क्यों नहीं होगी है? मुझे ये बताएं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट जब ये अलाउ कर देगी, हाई कोर्ट जब ये अलाउ कर देगी कि जी हाँ जी आप रिमार्क्स भी दे सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन भी दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें, उसमें गलतियां भी होंगी, उसके बारे में आप एक देखें ना, कोर्ट नंबर इफ्तिखार 2007 के बाद से आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है कोर्ट नंबर एक के गिर्द। आप सारी उठा के देख लें, हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ जुडिशरी के ऊपर है और जुडिशरी ने खुद ये सारी चीजें इन्वाइट कर ली हैं, कभी सुओ मोटो लेकर इन्वाइट कर ली हैं, कभी पिटीशंस आती हैं तो उनको आउट ऑफ बॉक्स जो है टेकअप कर लिया जाता है, पता नहीं चलता, एक पिटीशन फाइल होती है तो सालों नहीं सुनी जाती और एक एक पिटीशन हाल ही में लगती है तो उसको उस पर फॉरेन बेंच बना दिया जाता है। ये जो माइंडसेट है इसने ये सारी चीज़ें की हैं। अब जिस तरह अभी आपने कहा, अभी फैसल वाडा का केस है, फैसल वाडा के वकील कल जाके क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरीके से लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इट्स हाई टाइम। बहुत अच्छी काजी फायज ईसा साहब ने ये रिवायत डाली है कि 184(3) अब जो है सिर्फ सुप्रीम चीफ जस्टिस की सवाबदीद नहीं होगी, बहुत अच्छा है कि फुल कोर्ट उन्होंने बैठाई है। फुल कोर्ट मीटिंग में
सुप्रीम कोर्ट सीरियसली इस चीज को डिस्कस करे कि जो इतना ज्यादा ओपननेस आई है, बजाहिर तो हमें, हम एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, हमें हमें बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वकार है, सुप्रीम कोर्ट का वकार मुझे बदकिस्मती से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, मुझे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब मैं सुप्रीम कोर्ट पे सवालात उठाने शुरू कर दूं, जब मैं हाई कोर्ट पे सवालात नहीं, उठाने आई शुरू कर एग्री दूं, विद यू। बात यह है कि अगर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के आपको कहें कि आपके अंदर ब्लैक शीप्स हैं, और सिटिंग बेंच पे जैसा जवाब में ये कहें कि नहीं नहीं टेल देम, अटॉर्नी जनरल कहें कि आप उनको बता दें कि ब्लैक शीप नहीं, वी आर द ब्लैक बम्बल बीज, तो आप तो खुद ट्रिवलाइज कर रहे हैं ना कोर्ट को, आप खुद चीज को ट्रिवलाइज कर रहे हैं। आई टोटली टोटली एग्री विद यू। मैं यही ब्रेक लेनी हूँ, ब्रेक के बाद आके मेरा सवाल आपसे ये होगा, आप तीनों से, कि जो फैसले इस वक्त अभी तक हो चुके हैं, फैसले तो हम डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए उस पर हमें कोई कतगन नहीं है कानूनी या किसी किस्म की, वो आपके ख्याल में जैसे आज चीफ जस्टिस ने कहा, आई स्टार्ट विद यू व्हेन आई कम बैक फ्रॉम ब्रेक रूफ आपके साथ, क्या वो इन द लेटर एंड टेक्स्ट के मुताबिक हुए कानून में, या जो एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है उसमें पे फैसले हो रहे हैं जबरदस्ती की उसके सवाल पूछने मुताबिक? आ रही थी आपने मेरे खिलाफ खाने का, आपसे पूछूंगा, पूछना आपने इनसे, बारी इनकी है। इनसे भी पूछूंगा सुने, ब्रेक के बाद, मैं ब्रेक उसके लेनी है। लिए, ए, थोड़ी सी, आप इतने जालिम आदमी है, पहले सारे केसेस को डिस्कस करने के बाद कहते हैं हम तो सिर्फ फैसले वाले केस नहीं, को हम डिस्कस कर तो रहे हैं यार, कितने हम फिर डिस्कस नहीं ऐसे ना, सारा कुछ डिस्कस सिर्फ करने के बाद ओपन कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस वो किया, वही क्या वो तो लाइव लाइव ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन के भी हम बाद कुछ कर नहीं नहीं, सकते। ये कवर आप सही ले यहीं रहे पे हैं, आप सारी उठा के देख लें, हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ जुडिशरी के ऊपर है, और जुडिशरी ने खुद ये सारी चीजें इनवाइट कर ली हैं, कभी सुओ मोटो लेकर इनवाइट कर ली हैं, कभी पिटिशंस आती हैं तो उनको आउट ऑफ बॉक्स जो है टेकअप कर लिया जाता है, पता नहीं चलता, एक पिटिशन फाइल होती है तो सालों नहीं सुनी जाती, और एक एक पिटिशन हाल ही में लगती है तो उसको उस पर फॉरन बेंच बना दिया जाता है। ये जो माइंडसेट है, इसने ये सारी चीजें की हैं। अब जिस तरह अभी आपने कहा, अभी फैसल वाडा का केस है, फैसल वाडा के वकील कल जाके क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरीके से लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इट्स हाई टाइम, बहुत अच्छी काजी फायज ईसा साहब ने ये रिवायत डाली है कि 184(3) अब जो है सिर्फ सुप्रीम चीफ जस्टिस की जवाबदेही दी होगी, बहुत अच्छा है कि फुल कोर्ट उन्होंने बैठाई है, फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट सीरियसली इस चीज को डिस्कस करे कि जो इतना ज्यादा ओपननेस आई है, बजाहिर तो हमें, हम एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, हमें हमें बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वकार है, सुप्रीम कोर्ट का वकार मुझे बदकिस्मती से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, मुझे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब मैं सुप्रीम कोर्ट पे सवालात उठाने शुरू कर दूं, जब मैं हाई कोर्ट पे सवालात उठाने नहीं, आई शुरू कर एग्री दूं, विद यू। बात यह है कि अगर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के आपको कहें कि आपके अंदर ब्लैक शीप्स हैं, और सिटिंग बेंच पे जैसा जवाब में ये कहें कि नहीं नहीं टेल देम, अटॉर्नी जनरल कहें कि आप उनको बता दें कि ब्लैक शीप नहीं, वी आर द ब्लैक बम्बल बीज, तो आप तो खुद ट्रिवलाइज कर रहे हैं ना कोर्ट को, आप खुद चीज को ट्रिवलाइज कर रहे हैं। आई टोटली टोटली एग्री विद यू। मैं यही ब्रेक लेनी हूँ, ब्रेक के बाद आके मेरा सवाल आपसे ये होगा, आप तीनों से, कि जो फैसले इस वक्त अभी तक हो चुके हैं, फैसले तो हम डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए उस पर हमें कोई कतगन नहीं है कानूनी या किसी किस्म की, वो आपके ख्याल में जैसे आज चीफ जस्टिस ने कहा, आई स्टार्ट विद यू व्हेन आई कम बैक फ्रॉम ब्रेक रूफ आपके साथ, क्या वो इन द लेटर एंड टेक्स्ट के मुताबिक हुए कानून में, या जो एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है उसमें पे फैसले हो रहे हैं जबरदस्ती की सवाल उसके पूछने मुताबिक? आ रही थी आपने मेरे खिलाफ खाने का, आपसे पूछूंगा, पूछना आपने इनसे, बारी इनकी है। इनसे भी पूछूंगा, सुने, ब्रेक के बाद, मैं ब्रेक उसके लेनी लिए, है। ए, थोड़ी सी, आप इतने जालिम आदमी है, पहले सारे केसेस को डिस्कस करने के बाद कहते हैं हम तो सिर्फ फैसले वाले केस नहीं, को हम डिस्कस तो कर रहे हैं यार, कितने हम फिर डिस्कस नहीं ऐसे ना, सारा कुछ डिस्कस हमने सिर्फ करने के बाद ओपन कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस वो किया, वही क्या वो तो लाइव डिस्कस करने ट्रांसमिशन के भी हम बाद कुछ कर नहीं सकते। नहीं, ये कवर आप सही ले यहीं रहे हैं। पे,